गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। कोरोना वायरस के संकट में श्री राम मित्र मंडल उलवे नोड में जरूरतमंदों को हर संभव मदद के लिए लॉकडाउन में श्री राम मित्र मंडल उलवे आज उलवे के सेक्टर 5 में 150 से 200 जरूरतमंदों को राशन किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस वितरण कार्य में राजेंद्र पाटिल ने शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा पे फूलों की माला चढ़ाकर और रिबन काटकर राशन वितरण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इस मौके पे ग्राम पंचायत सदस्य चेतन घरत, श्री राम मित्र मंडल अध्यक्ष सुमित चौबे, चिटनीस मनोज पाटिल, उपाध्यक्ष नागेश मिश्रा, खजींदार राम यादव और मंडल के सभी मान्यवर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। राजेंद्र पाटिल ने पाटिल ने इस मौके पर श्री राम मित्र मंडल को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री राम मित्र मंडल जो सेक्टर 5 के उलवा नोड के है, वो एक्टिव सब मेंबर्स है। सुमित चौगले, मनोज पाटिल, ये जो एक्टिव कार्यकर्ता ने जो अनाज वगैरह एसेंशियल थिंग जो पब्लिक को दिए, मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। लास्ट टाइम भी करीब उसने एक महीना लोगों को अनाज खा, चावल व्यवल सब खाने खाने का चीज सब जो एसेंशियल थिंग दिए थे। आज भी इन लोगों ने ऐसे फंडा चालू किया है, सैनिटाइजर, उसमें एक पूरे एक महीने के लिए रेशन उसने बना दिए है। ये बहुत अच्छी बात है, उन लोग को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मागची 1.5 वर्ष झाली कोरोना प्रादुर्भाव एवढा वाढला आहे की कोरोनाने माणसं तर मरतातच, पण त्याचं जे साईड इफेक्ट्स आहेत, भूकमरी बोला किंवा लोकांचे इन्कम सोर्स गायब झालेले आहेत, त्यामुळं श्रीराम मित्र मंडळ उलवे आमचे जे अध्यक्ष आहेत सुमित चौबे, एक आम्ही असे बसून विचार केला की वाय नॉट, जो मागच्या वर्षी जसं आम्ही वाटप केलेलं, गरीब गरजू जो निराधार लोक आहेत त्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न उभा राहिलेला आहे, तर त्यांच्यासाठी काहीतरी करायचं, सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा आम्ही एक प्रयत्न याच्या माध्यमातून केलेला आहे। आम्ही एक मगाशीच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक माननीय श्री राजेंद्र पाटील साहेब, आमचे चेतन घरत साहेब ग्रामपंचायत सदस्य वहाळ, इंगळे साहेब, रामशेठ ठाकूर साहेब, तर ते सगळे त्यांना आम्ही फक्त एक रिक्वेस्ट केली की साहेब फक्त तुम्ही येऊन आमचा एक आम्हाला मार्गदर्शन द्या, तर त्यांनी आमच्या हाकेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन मगाशीच त्यांनी उद्घाटनाचा समारंभ केलेला आहे, त्यांच्या हस्ते वाटप पण झालेलं आहे,
तर त्यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे, याच्यापुढेही करतील अशी अपेक्षा आहे। देखिए ऐसा है सर, गए टाइम भी जब लॉकडाउन लगा था तो वो टाइम पे भी हम लोग आगे आए थे, मतलब हम लोग कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं किए कोई पर्टिकुलर या ये कुछ, हम लोग ने तभी ये फाउंडेशन बनाया जय श्री राम मित्र मंडल। तब से लेके आज तक उलवे में मेरे को लगता है देवी माँ का प्रोग्राम किया हम लोग ने, लॉकडाउन में ये प्रोग्राम किया, फिर अभी कैसा लॉकडाउन जब घोषित हुआ जब हम लोग ने भी ज़रा देखा घूम घूम फिर कि हाँ भाई अब यहाँ पर तकलीफ हो रही है, तब हम लोग ने इनिशिएट लिया कि अब नहीं हम लोग से जो बनेगा हम लोग करके दे देंगे। पहले तो अभी इसके बाद तो ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत था, इसके बाद डेली का वही पहले जैसे हम लोग करते थे 2000 लोग को खाना, वो वापस से चालू होगा। और इसके साथ में मैं मतलब मेरी टीम भी बहुत मेरे को सपोर्ट की है, जैसे कि ये मनोज पाटिल साहब है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। दूसरे रामशेठ यादव सर है, इनका भी योगदान रहा है, मतलब मिलजुल के मेरे अकेले का कुछ टीम वर्क नहीं है, टीम वर्क का काम है, मेरा अकेले का कुछ नहीं है इसमें। हम लोग ने कैसा एक यूनिक तरीका सोचा है, जैसे हम लोग हर वीक में जैसे कि वीकडेज रहेगा, जैसे सैटरडे संडेज हो गया, उस वीक में हम लोग का टारगेट है, जैसे आज हम लोग ने 150 लोग का किया है किट का, अब ये हम लोग दुआ करेंगे कि हम लोग हर वीक में जैसे सैटरडे संडे को ही हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे, बट हर वीक में जैसे 500 हम लोग का टच होना ही चाहिए, हर वीक में 500 किट, ये हम लोग का मिशन है, एम है, देखते हैं अब वो होना ही हो जाएगा, वैसा कोई इशू नहीं है। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा मतलब जिनको अभी ऑक्सीजन का कमी पड़ रहा है तो ऑक्सीजन भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई हमको फ़ोन कर रहा तो हम लोग वो भी अरेंज करके दे रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग से जो भी बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक भी पैसा उन लोग से कोई डिमांड नहीं कर रहे। दूसरा और जैसे भी कोविड पेशेंट्स हो गया उनको भी कुछ मदद लगता है तो हम लोग को फ़ोन करते, हम लोग जितना हम लोग मन पड़ता है हम लोग कर लेते हैं, बस दैट्स इट। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़।